और ये देखिए खेतों में, सारे खेतों में आपको पता है शिमला में मटर लगी हुई है। ये देखिए फुल है खेत भरे हुए, लहसुन प्याज मटर बीन खीरा हर चीज़ लगी हुई है। और मटर तो आपको पता है तुड़ाई के लिए आ गई है, तो बहुत अच्छा सा नज़ारा रहता है यहाँ से ना, इस खेत से हमारे। यहाँ पर हो रही है मटर की सिंचाई और ये देखिए खेतों में लगे हुए हैं फुहारे। मैंने कहा था ना आप लोगों को कि हमारे पानी की कोई दिक्कत नहीं है, तो ये देखिए। और ये है हमारे खेत से के पास का व्यू। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूँ संतोष भारद्वाज और मैं स्वागत कर रही हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है हिमाचली पहाड़ी रसोई। तो सबसे पहले तो कैसे आप सब लोग, आई होप सो कि आप सब लोग ठीक हो। तो मैं भी फ्रेंड्स ठीक हूँ। अभी सुबह के बज रहे हैं 10:30। आज जो है मैं आप लोगों के साथ हिमाचल की एक और रेसिपी, हिमाचल का एक और पकवान शेयर करने वाली हूँ, जिसका नाम है लुश्के। शायद आप लोगों ने सुना भी होगा। तो हमारी साइड इसको किस तरह से बनाते हैं वही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। शाम के लिए हमने बनानी है राजमा की दाल। तो मैं सबसे पहले उसको धो के और भिगो देती हूँ और थोड़ी देर उसको गर्म पानी में रख देती हूँ ताकि वो जल्दी पक जाए शाम को। ये है मेरे घर के पास अखरोट का पेड़, ये देखिए कितना बड़ा है ये देखिए। तो मेरे पापा और साईं जो है यहाँ पर साईं खेल रहा है पापा के पास, तो इसलिए पापा यहीं बैठे हुए हैं। तो ये देखिए शाम के लिए हमने बनानी है राजमा की दाल और मैंने जो है ये पानी दे दी, भिगो दी हुई है। अब मैं इसके लिए ना इसको ना गर्म कर दूंगी पानी में ना, ताकि अच्छे से मेरे गल जाए। देखिए मैंने आटा ले लिया हुआ है, नॉर्मल आटा मैंने लिया है, खाने वाला सोडा होता है वो डाल दूंगी। इतना सा मैं सोडे को डाल दूंगी इसमें। अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ पानी और करछी की हेल्प से जाऊंगी इसके अंदर। अब जो है मेरा जो बैटर है वो बन गया है पूरी तरह से, ये देखिए। तो ये इतना ही होना चाहिए, इसमें गिटलियाँ नहीं पड़नी चाहिए। तो ऐसे हमने इसको बनाते रहना होता है ताकि इसकी गांठें ना निकल जाए। ये देखिए एक अच्छा पेस्ट बन गया हुआ है। तो अब मेरा पेस्ट पूरी तरह से बन गया हुआ है और अब जो है मैं इसको ढक के रख दूंगी 4 से 5 घंटे के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके डोंठे या लुश्के जो है काफ़ी अच्छे बने, क्रंची बने और फुले फुले हुए से बने, तो इसके लिए आप जो है 4 से 5 घंटे पहले इसके आटे को बना के रख दीजिए और उसके बाद जो है लुश्का बनाना स्टार्ट कीजिए। तो आप देखेंगे कि आपके लुश्के बहुत ही सॉफ्ट भी बनेंगे और क्रंची, मतलब ना बहुत स्वादिष्ट बनेंगे। अब जलाना है चूल्हा, क्योंकि हमारे ना इस टाइम मतलब चूल्हे को ऐसे नहीं रखते हैं, मतलब आग जला लेते हैं, हमारे ना अपशगुन मानते हैं अगर शाम के टाइम ना चूल्हा ना जलाओ, भले ही खाना बनाओ चाहे नहीं। तो अब चूल्हे से पापा ने सारी राख निकाल दी है, ये चूल्हा हो गया बिल्कुल खाली, अब आग जला लेते हैं। ये जल गया चूल्हा, आग देखिए कितनी अच्छी जली है। और शाम के टाइम ना किचन में अगर आग जली हो तो बहुत सुंदर लगता है किचन ना। तो और फ्रेंड्स आपको पता है शिमला में मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, बाहर बारिश हो रही है, तूफान आया हुआ है बाहर ना, तो फिर से ठंड हो गई है, इसलिए ना पापा ने अभी चूल्हा तभी जलाया पापा ने ना। ये देखिए पापा ने इतनी मोटी लकड़ियाँ लगा रखी है चूल्हे में ना। और ये देखिए साईं, साईं खा रहा है बल्ला। ये देखिए आप साईं का बल्ला। साईं हाय करो तो सबको बाबू, हाय हाय हाय। अगर पेरेंट्स को कुछ हो जाए ना थोड़ा सा विश्वास तो करता है कि आप कुछ नहीं करना था बस, क्योंकि जब मैं आई थी तो आप सोच नहीं सकते नमक की छुट्टी खराब हो गई थी अचानक से ही ना, इसलिए मेरे को 4-5 दिन हो गए हुए बस। अब मुझे भी अपने कल पर से मैं भी चली, कल शायद मैं भी चली जाऊँ। तो अब मम्मा को मैंने पूछ लिया है ना, मम्मा आप बैटर फील कर रहे हो ना आप? अब मैं करने जा रही हूँ मसाला। तो मैं 2 चम्मच मिर्ची डाल दूँगी, जीरा डाल दूँगी, धनिया बस, और इसमें मैं लहसुन काट लूँगी थोड़ी सी। मैंने इसमें हल्दी डाल दी, थोड़ा सा नमक डाल दिया। तो अब मैं इसको पक लूँगी बिल्कुल पतला।
करके है। और ये देखिए इसका बैटर इतना अच्छा है बना, ये मिक्सचर अच्छे से। तो एक बार मैं इसको फिर से मिक्स कर दूंगी और मैं इसको खूब सारा इसको घोट लूंगी ना, इससे जो है ये, क्योंकि ऐसा था ना कि लुश्के बनाने के लिए ना मैंने ये होता है कि आपका ना ये अच्छे से बना होना चाहिए। अब देखो मेरी सिस्टर अभी अभी पहुंची है ऑफिस से। क्या लाई मम्मा साई? चीजी। कौन लाई चीजी? और आज मेरी सिस्टर दे रही है हमको ट्रीट फालतू की, वो भी है मधु चीज पराठा लाई है। तो देखो मैं आपको बता भी देती हूँ, ये देखिए और ये देखने में कितना यम्मी है। ये देखिए मैंने मंगवाया था ना, मैं कभी ली चीज पराठा लाना यार, बड़ा दिल कर रहा था ना हमारा, तो लाए हुए ये चीज पराठा। अब हम सब लोग खा लेते हैं, अभी शाम के बज रहे हैं 7:15 और अब हम थोड़ा बहुत खा लेंगे, उसके बाद ही बाकी काम धंधा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब बना लेते हैं दाल, क्योंकि मेरी दाल पक चुकी है। तो आज मैं राजमा की दाल में तड़का डालने जा रही हूँ। तो चलिए फिर फटाफट से कर लेते हैं यार, क्योंकि 7:30 बज चुके हैं तो डिनर का टाइम हो रहा है। तो फटाफट से मैं दाल में तड़का डाल देती हूँ। तो मैंने धनिया और जीरा डाल दिया था, तो फटाफट से मैं डाल दूंगी तड़का। अभी इसमें अपना पिसा हुआ मसाला डाल लेते हैं, इसका कुछ हिस्सा मैं इसमें डाल दूंगी। और मेरा मसाला हो चुका है बिल्कुल रेडी। अब इसमें डाल दूंगी मैं टमाटर जो मैंने कट करके रखे हैं, और कुंडी में मैंने मसाला भी खा रखा। तो मैंने आपको पहले ही कहा है कि कच्चा मसाला मैं डालती हूँ बाद में, इससे आपका खाना बनता है बहुत ही ज़्यादा यम्मी। बहुत ही दाल और बनेंगे लुचके। ये देखिए, तो अब मैं टमाटर को मैं तब तक पकाऊंगी जब तक ये साइड से ऑयल छोड़ने ना लग जाए। तो देखिए राड़ी इसको बोलते हैं, ये देखिए अब आपको दिख रहा होगा इसके सरफेस ये लगने लग गया है, बोलते हैं राड़ लगना हल्का हल्का जब इसके तले से लगने लग जाए। और अब जो है जो मेरी बची हुई दाल है वो सारी मैं इसमें डाल दूंगी। अब आप देखेंगे कि आपकी दाल का स्वाद ना बहुत ज़्यादा अच्छा आने वाला है। एक बार आप इस तरीके से दाल को बना के जरूर देखिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो ये देखिए मम्मी ने तवे को रेडी कर दिया और मम्मा लगा रहे हैं इसमें लुइत्री। लुइत्री का मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा कागज या कपड़ा लिया, उस पर थोड़ा सा घी लिया और उससे जो है तवे को शशना होता है, मतलब ऐसे कर देना होता है, बिल्कुल मल देना होता है मतलब सारे में ना। और ये देखिए अब मम्मा बना रहे हैं। हाँ जी, तो पहली रोटी हमारे जो दी जाती है वो दी जाती है चूल्हे को। तो ये देखिए, तो आपको पता है ये ऐसा पकवान है जो बहुत फेमस है हिमाचल में ना, और इसको तब अब इसको ऐसे ढक देना होता है। और ये देखिए पहली रोटी मम्मी ने चूल्हे को दे दी। फ्रेंड्स मेरी दाल भी बन चुकी है, चावल मैंने लगा दिए हुए हैं और अब मैं आपको बताने जा रही हूँ लुश्के कि कैसे बनते हैं। तो ये देखिए ऐसे बनता है लुश्का, ये देखिए ये देखिए ये बन रहा है लुश्का। अब इसको ऐसे ढक दिया जाएगा, बीच बीच में इसको फेंटते रहना पड़ता है ऐसे। तो अब मम्मा इसको चेक कर लेंगे। ये देखिए कैसा बना है ये देखिए। अब मम्मा इसको तवे के पास निकाल रहे हैं और ये देखिए कितना सुंदर है भगवान, मैं आपको नज़दीक से बताती हूँ। ये देखिए देखा होगा कितना सुंदर है, आप नहीं लाओ ये देखिए। और ये देखिए पीछे से होता है ये ऐसा, ये देखिए देखा आप लोगों को। और खाने में भी ये बहुत टेस्टी होता है। हाँ आ जा बहुत से पहाड़ी पकवान है, इसमें से एक पकवान लुश्के भी है। तो प्लीज आप लोग एक बार जरूर बनाइएगा। तो अब सब बैठे खाना खाने के लिए और मम्मा निकाल रहे सबके लिए खाना। और आज हमारे हैं स्पेशली धाम बनी हुई,
तो शक्कर भी दिया जाएगा सबके लिए। और ये देखिए मम्मा निकाल रहे शक्कर। तो ये देखिए अब इसमें दिया जा रहा है घी, क्योंकि ये चीज़ शक्कर घी से खाने का रिवाज है हमारे। सलाद में छिड़क छिड़का जा रहा है चाट नमक। निकाल रहे राजमा की दाल। सारी ले जाओ, मैं इसको भिस्मी दे दूँ। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का ब्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो आज के ब्लॉग के लिए, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।